Hello students, welcome again to live session of Manumula classes. Today is 1st of December 2023 and I am Naresh Sharma going to discuss daily news analysis from different sources. Today the first news is Jharkhand competitive examination, that is measure for control and prevention of unfair means in recruitment. ओके, ये एक नया बिल है झारखंड गवर्नमेंट लेकर के आई है और अभी गवर्नर ने इस पर जो है साइन कर दी है. आपने अक्सर करके न्यूज में सुना होगा कि MP यहाँ पर पेपर लीक हो गया, कभी सुना राजस्थान में पेपर लीक हो गया, कभी सुना यूपी में पेपर लीक हो गया, टेट का पेपर लीक हो गया. इवन आपने कई बार सुना होगा कि जो PCS का पेपर है वो भी लीक हो गया है. ऐसी बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होंगी डिफरेंट टाइम्स पर. तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है जिससे कि यदि कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई भी काम करता है जिससे अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में रखा जा सके तो उनके लिए अच्छे खासे इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया. तो देखते हैं जरा इसके अंदर क्या है. तो हमारे पास न्यूज तो ये थी कि झारखंड गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है और उसको गवर्नर ने साइन कर दिया. दैट मींस नाउ इट इज अ एक्ट, अब ये लॉ बन गया. ठीक है, तो देखते हैं जरा इस बिल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. ये बिल क्या रखने वाला है, इस बिल में है प्रोविजन ऑफ इवन लाइफ इंप्रिजनमेंट. ठीक है, इसमें ऐसे भी प्रोविजंस रखे गए हैं कि जीवन भर की सजा इसमें हो सकती है फॉर चीटिंग इन एग्जाम्स. और स्पेशली किसके लिए है ये, चीटिंग इन एग्जाम्स. और चीटिंग को मींस इसमें अच्छी खासी डेफिनेशंस वगैरह भी दी गई है, उसको देखेंगे. विच मैंडेट्स अ स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट. और इसमें 10 करोड़ तक का क्या है, इसमें फाइन तक लगाया जा सकता है व्यक्ति पर यदि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, चीट करता है कोई. ठीक है, अब इसमें कौन कौन, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस हैं और यदि कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोविजंस है. अब ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन हो सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है, मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है कुछ इंस्टीट्यूशंस को हायर करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती है एग्जामिनेशन के लिए, प्रिंटिंग पेपर जो एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस हैं उनको, उनके पेपर को प्रिंट करवाने के लिए. उसमें आपका कोई एक मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है. मींस बहुत सारी एजेंसीज होती है जिनको हायर किया जाता है, वो भी हो सकती है. द पर्सन हो सकता है कोई जो उन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, उससे रिलेटेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, वो अगर ऐसा करता है. कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं यदि वो कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं. आपने कई बार सुना होगा कि कोई एक्स नाम का इंस्टीट्यूट पेपर को लीक करवाने में पकड़ा गया. ऐसे बहुत सारे लोग अक्सर करके देखने में मिलते हैं. तो ये एक बड़ी समस्या है नेशनल लेवल पर जिससे कि यूथ की लाइफ बर्बाद हो जाती है और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो चीटर्स हैं, जो 10-20 लाख रुपए दे करके और उस एग्जाम में अपनी मनपसंद सेंटर उनको मिल जाता है कई बार, या फिर उनको जो है जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, उनको सॉल्वर बिठा लेते हैं अपनी जगह पर. ठीक है, मैंने भी कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसे केसेस में, MP वाले केस में व्यापम घोटाला हुआ था तो उसमें पकड़े गए थे. ठीक है, मथुरा से भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग इसमें पकड़े गए थे. ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है, नेशनल लेवल की समस्या है. उस पर गवर्नमेंट अगर ये झारखंड के लिए करके आई है तो एक अच्छा इनिशिएटिव हम इसको कह सकते हैं. आप बताइए कमेंट में कि इस चीटिंग वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आइडियाज हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि ये बिल इतना लाइमलाइट में क्यों रहा. देखो, देखने में हमको ये लग रहा है कि ये बिल काफी अच्छा है और यदि कोई बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है, उनकी लाइफ को स्पॉइल करता है, उनके करियर को, उनके सपनों को, ड्रीम्स को अगर कोई स्पॉइल करता है तो दे शुड बी ट्रीटेड विद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. बट यहाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई कि ये बिल को अपोज किया गया वहां की अपोजिशन ने, जो अपोजिशन में पार्टीज हैं उन्होंने इसको क्या किया, अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये बिल वैसे ही है जैसे कि
रॉलेट एक्ट था उस समय का, ठीक है, ब्लैक लॉ, काला कानून, गांधी ने कहा था ना गांधी जी ने कि ये काला कानून। तो ये काला कानून कैसे है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स कई बार क्या करते हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स के रिगार्डिंग में, उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में एफआईआर कर देते हैं, आंसर शीट के रिगार्डिंग में क्या कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं, और वो जो केस बन जाता है और वो चला जाता है फिर कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ये इसको लेकर के अपोजिशन पार्टीज ने इस पर इश्यू अपना रेज किया कि आप ऐसा क्यों नियम ला रहे कि कैंडिडेट्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, वो गवर्नमेंट के खिलाफ या उस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते। तो इसके बेसिस पर इन्होंने क्या कहा कि ये एक रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून है। अब देखो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इस रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था जिसको हमने काला कानून कहा, उससे हम आज हम इस बिल को उस रॉलेट एक्ट से, ब्लैक लॉ से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे? देखो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको उस समय इसका जो ऑफिशियल नेम था वो क्या था, अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ये उसका नेम था, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया था 1919 में मार्च, ठीक है। इसने ऐसा क्या काम किया था कि इसको ब्लैक लॉ कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि गवर्नमेंट को इसमें पावर दी गई कि वो किसी एनीबॉडी को अरेस्ट कर सकता है केवल बेस्ड ऑन सस्पेक्शन, ठीक है, कि हाँ भाई वो सस्पेक्शन में है या उस पर कोई शक है, उसी के बेसिस पर उसको जो है क्या किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था। और अरेस्ट करने के बाद भी इसमें एक प्रॉब्लम और क्या थी कि गवर्नमेंट को इन्होंने ऑथराइज किया कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट तो कर ही सकते हो, उसको आप डिटेन भी रख सकते हो, और करीब कितने, मींस अप टू 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, अरेस्ट भी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मैं प्रॉब्लम क्या थी, विदाउट ट्रायल भी नहीं होगा और आप 2 साल तक किसी को जेल में रख सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी क्या थी, प्रॉब्लम थी। इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च फॉर अ प्लेस विदाउट वारंट, तो विदाउट सर्च वारंट इनको परमिशन दी उस समय थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को अरेस्ट कर सकते थे और उसको डिटेन कर सकते थे अप टू 2 ईयर्स, और वो भी विदाउट एनी ट्रायल, कि कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और किसी के भी प्लेस को क्या कर सकते थे, सर्च कर सकते थे इवन विदाउट वारंट। ये प्रॉब्लम उस समय के लॉ में थी। तो कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में पैराग्राफ आता है और उसके बेसिस पर उसका कुछ बैकग्राउंड, उसके नियर बाय की कुछ थिंग्स, कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ उसका हिस्टोरिकल आस्पेक्ट, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। सो बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट व्हेन दे कम इनटू न्यूज और दे आर बैन इन द लाइमलाइट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज क्या है कि ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0 कमीशंस एंड परमिशंस। ये कोई स्पेसिफिक कोई बिल या ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि अभी द हिंदू में एक आर्टिकल था, ठीक है, जो एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल आते हैं, आपने सुना होगा। आपको कॉम्प्रिहेंशन को इंक्रीज करने के लिए भी आई विल सजेस्ट दैट यू शुड रीड एटलीस्ट 1 or 2 आर्टिकल्स फ्रॉम any national newspaper, so you can increase your comprehensive power, okay? तो देखते हैं ये क्या है। अभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, ठीक है, ये एक बिल गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो क्यों लेकर के आई है, क्या है इसके अंदर, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब इन सारे एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या कंसर्न हो सकते हैं, उन एस्पेक्ट्स को भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है। देखो अभी तक की अगर हम बात करें, इस बिल के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, तो हमारे पास मींस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी उनके पास जो बिल था, जो एक्ट था, जो लॉ था, जो रेगुलेशन जिसके थ्रू करते थे, वो बिल था, वो एक्ट था कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995। तो इसके बेसिस पर अभी तक का जितना भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती थी उस सब को रेगुलेट किया जाता था अभी तक। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप केबल टेलीविजन का जो एक केबल्स के थ्रू घर घर नेटवर्क पहुंचता था, उसके थ्रू लोग टीवी देखते थे वगैरह वगैरह, तो वो सब चीजें नहीं रही।
अब इतना कुछ आ गया है मार्केट में कि डीटीएच आ गया, डायरेक्ट टू होम, ओटीटी आ गया, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो आ गए, जैसे आप देख लेते हो ना कि अमेजोन प्राइम पे आपने देख लिया, हॉटस्टार पर आपने देख लिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, आप फेसबुक पर देख सकते हो। तो उस समय का ये जो एक्ट था उसमें इतने सारे प्रोविजंस नहीं थे कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल कर सके, उसको रेगुलेट कर सके। तो जब इतना कुछ इमरजेंस हो गया तो ऑब्वियसली देर इज नीड दैट द गवर्नमेंट शुड कोप अप विद द इमरजेंस ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसकी साथ में चलने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट थी, एक नया बिल आए और उसमें हमारे जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, उनके साथ में हम उनको कैसे जो है कोप कर रहे हैं, उनके साथ में हम उन चैलेंजेस को कैसे हम फेस करें, उनको कैसे हम रेगुलेट करें। बिकॉज अब जो प्राइवेसी की बात हुई या जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो गई, है ना, वो अब इतना ज्यादा ब्रॉड हो गया है कि आप केवल टेलीविजन के बेसिस पर ही सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर के आई है, और कौन सी मिनिस्ट्री लेकर के आई है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। ओके, और बिल का नाम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। ये हमारे पास में क्या है, एक नया बिल आया, ठीक है। अब इस बिल की मेन फीचर्स क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं, बाकी तो जब ये बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, या इस पर और भी बात जो है मीडिया में बहुत सारी रिसर्च होती रहती है इसके रिलेटेड में, जब और भी आर्टिकल्स आएंगे अगर न्यूज़पेपर्स में, तो उससे हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। क्या इसके मेन फीचर है, देखो, कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कंसोलिडेशन की बात यहाँ पर जब हो रही है तो ये बिल एक काम करता है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि ये करता है कंसोलिडेशन। किस चीज का कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन करता है कि अब तक जो बहुत सारे लॉज थे, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेटरी लॉ थे या कुछ ऐसे जो है नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है ना, वो सब जो बिखरे पड़े थे डिफरेंट लॉज में, डिफरेंट एक्ट्स में जो प्रोविजंस थे, उन सबको क्या करता है अब ये कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ बना रहे हैं। तो सारे का सारा जो इससे रिलेटेड इश्यूज हुआ करेंगे वो सिंगल ये लॉ डील करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करें तो जब 1990s में वो बिल आया था टेलीविजन वाला जो है केबल नेटवर्क वाला, तो उस समय इतना एडवांसमेंट नहीं था टेक्नोलॉजीज में। उस समय आपके लिए इस तरीके की अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार या फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, ऐसे उतने ही ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थे टेक्नोलॉजी के, ठीक है। लेकिन आज बहुत कुछ ऐसा आ गया है जिसके साथ हमको डील करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे, नए प्रोविजंस को लेकर के आना होगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इस ये जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आज की सोशल मीडिया में ओटीटी से रिलेटेड या डीटीएस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उन सब के लिए एक मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न जो है लीगल फ्रेमवर्क बनाने की यहाँ पर क्या हो रही है, इसमें जो है एफर्ट्स हो रहे हैं। तो इसने दो काम किए, तीसरा क्या किया, कॉन्टेम्परेरी डेफिनेशंस एंड फ्यूचर रेडी प्रोविजंस। देखो, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है कि जो अभी जो दौर चल रहा है, अभी जो टाइम पीरियड है, तो कॉन्टेम्परेरी टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो जो पुराना बिल था, जो पुराना एक्ट था, ठीक है, उसमें उतने सारे प्रोविजंस नहीं थे कि जो हमारे मीन्स जो प्रेजेंट है उसके रिलेटेड जो डेफिनेशन अभी आ रही है या उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डील कर सके। दूसरा, जब भी कोई बिल बनाया जाता है, कोई एक्ट लेकर के आया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसको 1-2 साल के लिए या 6 मंथ्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए ही बस जो है उस बिल को लेकर के आया जाता है। ऐसे भी जब भी बिल आते हैं तो उनको ये सोचा जाता है कि आज से 50 ईयर्स बाद क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या नए इश्यूज अराइज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे इश्यूज को भी ध्यान में रख करके उसके प्रोविजंस को फ्रेम किया जाता है। तो ये जो बिल है नया, ये फ्यूचर रेडी प्रोविजंस इसमें लाए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स मे बी पॉसिबल, तो उनको भी ये क्या कर सके, डील कर सके। नेक्स्ट,
strengthens the self-regulation regime. ये self regulation regime क्या है? देखो अभी तक क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड वगैरह है वो सब देखते हैं कि वहां से उसको रिव्यू करते हैं, फिर वो फिल्म जो है रिलीज होती है, जो मूवी रिलीज होती है. या अब देखो केवल ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में अब केवल मूवीज ही आ रही है, अब ऐसा तो नहीं है. अब देखो शॉर्ट वीडियोज भी आ रहे हैं ना, शॉर्ट्स आप यूट्यूब पर देखते होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स आती रहती है. दूसरा ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल चलते हैं यूट्यूब पर या और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी खुद की वेबसाइट्स हैं. तो उन सबको तो रिव्यू नहीं कर सकता ना, जो अभी तक का जो बोर्ड है, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, जो रिव्यू करता है उनको कि मूवी को पहले वो देखेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे, फिर उसमें कहेंगे भाई इसमें से इस सीन को कट कर दो, उस सीन को जो है कट कर दो. तो ये सबके साथ में तो पॉसिबल नहीं है ना कि करोड़ों लोग यूट्यूब पर अपना कंटेंट बना रहे हैं, जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, उन सबको तो वो डील नहीं कर सकते ना. तो उन सबको भी ध्यान में रखते हुए अब नए प्रोविजंस इसमें आ रहे हैं. अब बात आती है इसमें सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन की हम बात करते हैं तो ये एक कमेटी बनाने वाले हैं, ठीक है, उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे जब ये कमेटी बनेगी. तो ये कमेटी बनाने वाले हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स होंगे और जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, जो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है या और भी मीडिया हाउसेस हैं, उन सबके भी मेंबर्स इस कमेटी में शायद होने वाले हैं. ऐसे प्रोविजंस इसमें आ रहे हैं बिकॉज ज्यादा डिटेल्स अभी हम इसलिए नहीं दे सकते कि इस बिल अभी ये क्या है, ये बिल अपनी ड्राफ्ट स्टेज में, जब फाइनलाइजेशन इसका होगा तब उसके बाद में बहुत ज्यादा डिटेल्स आपके पास तक आएंगे. नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं. सेंटर अग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स. ठीक है, ये क्या इशू है? ये इशू ये है, अभी तक क्या था कि लद्दाख को आप जानते होंगे एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो अभी बनी है, ठीक है. तो लद्दाख के जो लोग थे, वहां के जो पीपल थे, उनकी डिमांड ये थी कि लद्दाख वाले रीजन को आप सिक्स शेड्यूल में लेकर के आइए, ठीक है, सिक्स शेड्यूल में लेकर के आइए. और हमारी जो लोकल डिमांड्स हैं वो डिमांड क्या है कि हमको मिले ट्राइबल स्टेटस. हमारी इस यूनियन टेरिटरी वाले रीजन को, हमारे लद्दाख वाले रीजन को क्या चाहिए, उनको ट्राइबल स्टेटस चाहिए, ठीक है. और वो कौन से शेड्यूल में आता है? वो आता है सिक्स शेड्यूल में. तो शॉर्ट में अगर हम कहें कि लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि हमारे इस रीजन को सिक्स शेड्यूल में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, ठीक है. तो इनकी बहुत लंबे समय से जो है डिमांड्स चली आ रही थी. अब ऐसा नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी बात सुनने के लिए रेडी हुई और उन्होंने एक 22 मेंबर की कमेटी को क्या किया है, बनाया, जो इस मैटर को ठीक से स्टडी करेगी कि इनकी क्या डिमांड्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेगी, स्टडी करेगी, उसकी इंक्वायरी करेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगी. क्लियर हुई बात? तो इसलिए ये क्या रहा, लाइमलाइट में रहा. अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? वो रहेंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय, ये इसके चेयरमैन रहने वाले हैं. और इसमें रिप्रेजेंटेशन कारगिल वाले रीजन से भी रहेगा और लेह वाले रीजन से भी रहेगा. अब आपको पता होगा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में बताओ ये लेह और कारगिल क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप बताइए क्या है. अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये सिक्स शेड्यूल क्या है. भाई ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना हमको सिक्स शेड्यूल में लेकर के आइए, तो कुछ तो स्पेशल होगा ना इस जो है शेड्यूल में. तो इस शेड्यूल में स्पेशल ये है, जैसे अभी तक इस सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार स्टेट अभी तक सिक्स शेड्यूल में आते हैं और इनको कुछ स्पेशल जो है राइट्स मिले हुए हैं अपने अपने इस रीजन. ओके, बहुत सारे राइट्स इनको मिले हुए हैं. तो लद्दाख के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे को भी ऐसे ही कुछ स्पेशल राइट्स मिले, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है. यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी. तो अब मुझे आप ये बताइए कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें क्या है, आप बताइए कमेंट में कि इसमें क्या है. ठीक है,
यदि आपको इसमें से कुछ भी ऐसा लगता है कि आपकी समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी, ठीक है। और कल के जो हमारा न्यूज़ का डिस्कशन था, एक स्टूडेंट ने बताया कि सर हमारा जो ये हलाल सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट था वो पहले से बहुत अच्छा क्लियर नहीं था, उसमें बहुत कंफ्यूजन थी, और वो अब उसको क्लियर हो गया। थैंक्स मिस्टर पाशा, यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज के लिए। अभी देखो एक नई न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है। ये क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28th, ठीक है, COP28 की मीटिंग स्टार्ट हुई है। कब से? 30th of November से स्टार्ट हुई है और ये 12th of December तक चलने वाली है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की इवेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी तक हमारे पास क्या इसके लिए हमारे पास जो डिटेल्स अवेलेबल है, बिकॉज कल से ही तो मीटिंग इसकी स्टार्ट हुई है, तो जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो ये कि इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अर्थात उनकी शहर दुबई में, ठीक है। कब तक चलने वाला है ये? दिसंबर तक चलने वाला है, 12th of December। डेट आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं है। इट इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, सॉरी चेंज कॉन्फ्रेंस है। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है? यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जिसका मेन फोकस किस पर है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ये पूरा वर्ल्ड कैसे डील करे, उसके साथ उस चैलेंज को हम कैसे फेस करें, द होल ग्लोबल कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अभी पहला दिन द फर्स्ट डे ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस हुआ है COP28 का, और यहाँ बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने एक प्रपोजल को क्लियर किया है, मीन्स अपने साइन किए हैं, उसे एग्री हुए हैं। और उसका क्या नाम है उस प्रपोजल का? लॉस एंड डैमेज फंड। इस पर अभी उन्होंने अपनी सहमति दी है कि ठीक है, एक ऐसा फंड होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम फ्यूचर में डील कर सकें। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये COP28, इसकी जब हम बात करते हैं तो कई बार आते हैं ना कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी ये सब, तो और इसमें वर्ड हमेशा आपने देखा होगा UNFCCC। तो UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये CCC इसको डिनोट करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो 1992 में हुआ, जो कंट्रीज थे उन्होंने इस इंटरनेशनल ट्रीटी को ज्वाइन किया, तब से स्टार्ट हुआ ये UNFCCC। ओके, अब ये है क्या? तो ये एक फ्रेमवर्क ऑफ फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए है। कंट्रीज इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया कि भाई हम सारे के देश, सारे के सारे कंट्री आपस में कोऑपरेट करेंगे, किसके लिए? कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ग्लोबल लेवल पर हम डील करने के लिए, उसे कॉम्बैट करने के लिए जो ऑल ओवर द जो वर्ल्ड जो कंट्रीज है वो क्या करेंगे, वो सब उसको कॉम्बैट करने के लिए आपस में कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट कैसे? वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर करेंगे, फाइनेंस के बेसिस पर करेंगे, जो मींस जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी जिसको वो ट्रांसफर कर सके। कैसे? कि जो अभी पुअर कंट्रीज हैं उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि सोलर लाइट, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, वो अभी तक किस पर डिपेंडेंट है? कोल एनर्जी पर डिपेंड है। तो वो अपने आप कोयला जला रहे हैं और उससे क्या होगा, फिर कार्बन एमिशन होगा बहुत सारा और वो क्लाइमेट चेंज के लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो जो रिच कंट्रीज हैं जिनके पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने यहाँ से फंड उनको दे सकते हैं ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से जो कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कॉपरेट। इनका मेन एम क्या है? जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए। और जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब यहाँ सिंपल सी बात आ रही है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे कई बार कोई ऐसा टाइम नहीं है स्टॉर्म आने का लेकिन स्टॉर्म आ गया, मींस टाइम तो है रेनफॉल का लेकिन उस समय क्या हो गया, ड्रॉट हो गया। मींस क्लाइमेट के अगेंस्ट में कुछ जैसी इवेंट्स हो रही हैं जो वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, वो सब क्या है, इस क्लाइमेट चेंज के इंडिकेशंस हैं कि सुधर जाओ इंसानों, नहीं तो क्लाइमेट चेंज ऐसा होगा इस पृथ्वी से जाने क्या क्या नष्ट हो जाएगा, जैसे डायनासोर खत्म हो गए,
एक डोडो नाम का जो है एक बर्ड थी वो भी फिनिश हो गई, वो आज दिखाई नहीं देती। अच्छा चलो मेरे को बताओ कि ये डोडो नाम का जो जीव था ये कौन से देश में पाया जाता था, बताइए कमेंट में। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं कई बार, कोपिंग विद इंपैक्ट्स दैट वर बाय देन इनएविटेबल। ठीक है, तो इस सब के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मींस यूएनएफ ट्रिपल सी का गठन या जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। ठीक है, तो हमने जाना कि अभी COP28 मीटिंग हो रही है और वो कहाँ हो रही है, दुबई में हो रही है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, तो क्लाइमेट चेंज से जो है फाइट करने के लिए है, उसके साथ में कंट्रीज के कोऑपरेशन के लिए। अभी केवल यहाँ पर एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये आपको रिवीजन हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि अभी ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां कुछ न्यूज पेपर्स या मैं कहूँ कि कुछ जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उनमें से कुछ ऐसी नई इंफॉर्मेशन निकल करके आई है, उसको डीक्लासिफाई किया गया है, उसको डीक्लासिफाई किया गया है। उसमें ऐसा क्या है भाई, तो वहां से पता चला है कि जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उस समय यूएसए ने क्या कारनामे किए इंडिया के अगेंस्ट में, ये कुछ पता चला है। ठीक है, तो यहां से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कई बार हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स में इंटरनेशनल इश्यूज को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहां से देखो हम आपको एक बात कहेंगे तो जीएस जनरल स्टडी या जीके या करंट अफेयर, ये सब अपने आप में एक वेब की तरह है, एक जाल की तरह है। मींस सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और जीके की स्टडी करंट अफेयर की स्टडी कोई एक दिन का काम नहीं होता। जब आप धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा चीजों को जानते हैं, तो वहां से आपकी जनरल नॉलेज बिल्ड होती है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। तो इस न्यूज में ऐसा क्या हुआ कि देखो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, रिचर्ड निक्सन, और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे कौन, हेनरी किसिंजर। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया के इस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था, बताइए कमेंट में। समय कौन है, ठीक है, तो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनके हेनरी किसिंजर। ठीक है, तो इससे पहले जब ये 1971 का वार, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं था, तो जनरली क्या था कि यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर बेन लगा रखा था कुछ आर्म्स के रिगार्डिंग। आर्म्स बेन था कि हम जो है पाकिस्तान को हथियार या आर्म्स नहीं बेचेंगे या अदर कंट्री से इसको हम नहीं आने देंगे। ठीक है, तब ये सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हुआ, ये ब्रोक आउट हुआ, तो यूएसए ने वो बार से जो आर्म से रिलेटेड बैन था उसको हटा दिया था। यहां से आप समझ रहे होंगे कि इंडिया के अगेंस्ट में इसने डिसीजन लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय इंडिया, आज भी तुम कहें तो इंडिया की दोस्ती बहुत अच्छी थी किसके साथ में, यूएसएसआर से, और यूएसएसआर के एंटी में कौन था, यूएसए। ठीक है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दुश्मन का दोस्त दुश्मन। ठीक है, तो इस वाली मेंटेलिटी के साथ में यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट में क्या किए थे, एक्टिविटीज की थी। और इतना ही नहीं किया उसने, उसने ऐसा भी करने की कोशिशें की कि इस्लामाबाद को अर्थात पाकिस्तान को एयर सपोर्ट भी मिले दूसरे कंट्रीज के थ्रू। ठीक है, जैसे कि जॉर्डन वगैरह। ठीक है, और यूएसए का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ये लगता था, उसने ऐसा उसका मानना था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये जो 1971 का वार है ये इंडिया ने स्टार्ट किया है, जबकि सच्चाई इसके अपोजिट में है। स्टार्ट किसने किया था, ये पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ये वॉर, और पाकिस्तान का उस समय प्रेसिडेंट कौन था, ये था जनरल याह्या खान। ठीक है, उस समय ये थर्ड प्रेसिडेंट थे किसके, पाकिस्तान के। तो यहां ये निकल करके बात आई कि जो पाकिस्तान उस समय यूनाइटेड पाकिस्तान था, ठीक है, मींस एक तो वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान को तो बाद में कट करके मींस इंडिया के सपोर्ट से, इंडिया के जो है एफर्ट्स के कारण ईस्ट पाकिस्तान अब क्या बन गया, बांग्लादेश।
ठीक है, 1971 में, और इसमें सारा हाथ किसका था? इंडिया का था। तो पाकिस्तान के साथ में खड़ा हो गया था कौन? यूएसए। और इंडिया की उस समय हेल्प की थी यूएसएसआर ने, क्योंकि यूएसएसआर के साथ में इंडिया की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। ठीक है, तो हमने यहां कई सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल कम अगेन विद मोर सच न्यूज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।